मेरे भारत की एक झलक आपको कुछ लफ्ज़ों में बताती हूँ। जो मिट्टी है मेरे भारत की, उसकी महकता आपको आज इस कमरे में दिखाती हूँ। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में स्टाइल योर स्पेस विद रुचि। टाइटल से देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। एक बेडरूम मेकओवर है एंड दिस इज अ सेकंड बेडरूम और इसकी थीम आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। सो इस बार मैं ट्राई करने जा रही हूँ राजस्थानी डेकोर मेकओवर सॉर्ट ऑफ। तो इस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर्स आप लोगों के साथ में देना चाहूँगी। तो अगर आप मेरा डिस्क्लेमर नहीं सुनना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर सकते हैं, यहाँ से मेन वीडियो स्टार्ट होने वाला है। एंड जो लोग सुनना चाहते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, सो एक्चुअली मैंने क्यों राजस्थानी थीम डेकोर चूज़ किया है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि आई एम नॉट फ्रॉम राजस्थान, ना ही मैं राजस्थानी हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं कभी राजस्थान गई ही नहीं हूँ कि जिसको देख करके मैं बहुत इंस्पायर हो जाऊँ और सोचूँ कि नहीं मुझे अब ये थीम करना है। सो एक्चुअली मुझे इंडियन थीम का शुरू से एक है कि हाँ मुझे कुछ इंडियन थीम अपने घर में करना ही करना है, लेकिन क्या थीम करना है वो मुझे नहीं पता था। तो मेरे जो इन-लॉज का फैमिली है, दैट इज दे फॉलो राजस्थानी कल्चर, दे आर बेसिकली राजपूत, तो वो कल्चर तो मैं देखती आ रही हूँ पिछले 4 सालों से। तो काफ़ी चीज़ें मुझे उस कल्चर की काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और पसंद है। जब मैं अपनी पुरानी सोसाइटी में मुंबई में रहती थी तो मेरी जो फ्रेंड है निशा, मैं उनकी मम्मी के घर पे गई थी एंड जब मैं आंटी के घर गई, आई वॉज स्टंड टू सी द जो भी उन्होंने डेकोर करके रखा था उनके घर की एंट्रेंस। मतलब वो घर इस तरीके का था, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी मैं कोशिश करूँगी कि उनके घर का वीडियो ले सकूँ। मतलब आप वो डेकोर देखोगे ना तो आपका मुँह खुला रह जाएगा। इस तरीके का एंट्री थी आंटी के घर की, बिल्कुल राजस्थानी, इतना पॉजिटिव, इतना प्यारा, इतना इनवाइटिंग उन्होंने वो करके रखा था, राजस्थानी डेकोर करके रखा था। वहाँ से आने के बाद तो आई वॉज लाइक कि मुझे तो, विक्की को मैंने बोला, मैंने कहा अब मुझे नेक्स्ट टाइम कुछ चीज़ थीम करनी है तो मैं राजस्थानी थीम ही ट्राई करूँगी। राजस्थानी इज़ अ ब्यूटिफुल कल्चर, सो आई थॉट कि जब मैं खुद इस कल्चर को फॉलो करती हूँ सो वाई नॉट यू नो उसको अपने डेकोर में इंक्लूड किया जाए एंड अच्छे से फ्लॉन्ट किया जाए। बहुत दिल से मैंने इसको किया है। दूसरी चीज़ आते हैं कि बजट के ऊपर, टेम्प्रेरी बेसिस पे हम अभी भोपाल पे हैं, एनीवेज थोड़े टाइम बाद हमको मुंबई जाना ही जाना है। तो ये वाला जो घर है ये हम लोगों का खुद का ही घर है, मेरे इन-लॉज रहते हैं यहाँ पर ऊपर और नीचे ये टेरेंट्स के लिए था। वर्क में हम ऑलरेडी एक अपना अमाउंट स्पेंड कर चुके थे तो अब हम कहीं और मैं स्पेंड करना नहीं चाह रही थी। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं बजट में DIY के साथ मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है, क्योंकि मैंने मार्केट में भी सर्च किया तो बहुत महंगे महंगे जो आर्ट, वॉल आर्ट्स हैं राजस्थानी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर मिल रहे थे। एंड आई थॉट कि लेट्स गो फॉर DIY। मैंने फिर सारी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रिक्रिएट करके DIY करने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ें बहुत बजट फ्रेंडली चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, अगर मंगवाई भी हैं तो। इंडिया इज़ ऑल अबाउट कलर्स एंड एवरीथिंग। इफ़ यू आस्क मी कि मुझे बेज एंड न्यूट्रल कलर वाला डेकोर ज़्यादा अच्छा लग रहा है या मुझे ये इंडियन ट्रेडिशनल वाला डेकोर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आई वुड से मुझे कलरफुल थीम ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग अभी मेरे जो बैक टू बैक मेकओवर्स देख रहे हैं उसमें आपको समझ ही आ गया होगा, मैंने काफ़ी वाइट एंड न्यूट्रल डेकोर भी करके रखा है। मेरे पिछले घर का जो लिविंग रूम था वो काफ़ी न्यूट्रल कलर में ही मैंने किया हुआ था, कलर्स यूज़ नहीं करे थे, बहुत बाद में मैंने कलर्स यूज़ करे थे। पर्सनली मैं थोड़ा कलर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ। तो बहुत सारी मैंने बातें कर ली है, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेकओवर से। तो दिस इज़ द रूम जो हम लोगों ने जब टेनेंट्स को दिया था तो उसके उस टाइम पे ये इस तरह की कंडीशन में था, इसके कलर्स जो थे वो इस तरीके के थे। एंड उसके बाद मैंने मेरे फादर इन लॉ ने इसमें वाइट कलर करवा दिया था, तो जब हम आए थे तब ये ऐसे वाइट कलर में दिख रहा था। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसको चेंज कैसे करेंगे। ओ
ओके गाइस, तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग से। तो यहाँ पर मैं जो हमारे घर में वुडवर्क हुआ है तो उसका किस तरीके का लेआउट है वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, और कैसा मुझे एग्जैक्टली लेआउट चाहिए तो वो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर डिज़ाइन कर रही हूँ। तो मेरी डिज़ाइनिंग पर मत जाइएगा, बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, लाइन स्ट्रेट नहीं आती मेरी। तो यहाँ पर मुझे या तो कुछ छोटा सा मैट्रेस चाहिए, या मैं कुछ DIY करूँगी, या गद्दे वगैरह लगा लूँगी। और जो जो प्रोडक्ट्स मैंने मीशो से मंगवाए हैं और जो मुझे यहाँ पर लगाने हैं राजस्थानी थीम के, वो सब मैं एक थोड़ा सा लेआउट बना रही हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगने वाली है वैसा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लैम्प लगाना है, दिस इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द वॉल, बट देखते हैं कैसे लगाएंगे। उसके बाद एक यूनिट मैंने मंगवाई है, फिर यहाँ पर मैं कुछ DIY करने वाली हूँ इस कलर में, रेडिश टाइप ऑफ कलर में। तो एक रफ लेआउट मेरा रेडी हो चुका है। नाउ सबसे पहले आते हैं DIY नंबर 1 पे। तो ये पेंटिंग आई एम श्योर आपको पता ही होगा, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने बेडरूम मेकओवर में मेकओवर किया था तब मैंने उसमें ये यूज़ किया था, तो उसी को मैं रीयूज़ करने वाली हूँ, उसी फ्रेम्स को। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक वाइट कलर के पेंट से बेस कर लिया है, इसके ऊपर मैं दूसरा कलर भी करूँगी जस्ट बिकॉज जो दूसरा कलर है वो और अच्छा आए, तो इसलिए मैंने वाइट बेस कर लिया है। नाउ इस तरीके के क्रिस्टल्स ग्लास जो होते हैं वो मैं लेकर के आई थी आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप से, और उसी को मैं रख के देख रही थी कि मुझे एग्जैक्टली पैटर्न कैसा चाहिए, बिकॉज पैटर्न समझ में आ जाएगा नहीं तो वो बहुत मिस सा लगेगा। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा जो कैनवस है उसको अगेन प्री पेंट कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा पानी से हल्का सा पेंट कर रही हूँ ताकि जो मेरे कलर्स हैं वो अच्छे से स्प्रेड हो। नाउ जो कलर मैंने ऑरेंज यूज़ किया था अपने बेडरूम में वही कलर मैंने लिया है, और उस थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करके इसको ऑरेंज एंड रेड का कॉम्बिनेशन बना दिया। ना मुझे एकदम डार्क रेड चाहिए था, ना डार्क ऑरेंज चाहिए था, उसके बीच का जो कलर होता है मुझे एग्जैक्टली वो चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने वो कलर कर दिया है। इसी तरह से जो दोनों और फ्रेम्स हैं, मेरे पास 3 का सेट था, तो उन तीनों फ्रेम्स में मैं सेम कलर करूँगी। पहले मैंने अलग अलग कलर्स का सोचा था, बट देन आई थॉट कि एक ही कलर किया जाए, पता नहीं क्यों सोचा मैंने ऐसा फिर से। तो मैं यहाँ पर एक ही वही वाला जो कलर है वही यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से कलर कर लूँगी। नाउ अब ये जो फाइनल मिरर्स हैं इनको फाइनली स्टिक करने से पहले मैं एक बार और लगा के देख रही हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ एग्जैक्टली चाहिए क्या मुझे, और उसके बाद इनके पीछे एक एक मैं ग्लू लगाती जाऊँगी। तो बहुत ईजी तो था ये, डेफिनेटली बहुत ईजी सी डिज़ाइन थी, मैंने कुछ ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट सी चीज़ नहीं करी, बट हाँ बहुत टाइम टेकिंग था, मतलब इसने टाइम बहुत लिया मेरा, क्योंकि मैं एक एक जमाने के बाद फिर एक मैं ग्लू लगा रही थी तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। मतलब बहुत आप रिलैक्सड हैं, फ्री हैं, तब करने के लिए DIY बहुत बेस्ट है। और अब मैं ये देखिए एक एक को उसमें ग्लू लगाती जाऊंगी और उसको स्टिक करती जाऊंगी। नाउ अभी भी ये जो DIY है ये थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास एक्रेलिक मार्कर पेन है तो उस पेन की हेल्प से मैं बॉर्डर्स बना रही हूँ और उनमें एक एक डॉट रखती जाऊँगी कॉर्नर्स में, ताकि वो प्रॉपर वो जो राजपूत वाली जो पेंटिंग्स होती है ना राजस्थान में जो चलती है वैसा आर्ट लगे ये, बिकॉज अभी ये काफ़ी खाली सा अधूरा सा कुछ लग रहा था, तो मैं वही मार्कर पेन की हेल्प से बनाऊँगी। एक्चुअली हुआ ये था, ये मार्कर पेन से बन बहुत अच्छे से रहा था, फटाफट हो रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के मेरा पता नहीं पेन को क्या हो गया था, ख़राब हो गया था, फिर मैंने पेंट ब्रश की हेल्प से इस तरह के बॉर्डर्स बनाए, तो उसमें मुझे और ज़्यादा टाइम लग गया था। अदरवाइज़ ये मार्कर पेन अगर सही रहता तो मेरा ये काम बहुत फटाफट हो जाता।
नाउ मेरे पास ये कि वॉल आर्ट टाइप का है, वुडन वॉल आर्ट है, जो कि मैं 2018 में मुंबई मार्केट से लेकर के आई थी, जो अंधेरी में है, एंड आई डोंट नो मैं क्या सोच के लेकर के आई थी, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसको भी मैंने सोचा मैं यूज़ करती हूँ. एंड यहाँ पर मैं एक्चुअली पिक्चर लेकर के मैंने बूमरैंग लिया और अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट किया जिस दिन मैं ये काम कर रही थी, और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है. मैंने छोटे छोटे जो मिरर्स होते हैं वो मैंने इसमें भी लगा दिए हैं, कुंदन और मिरर, और ये मेरे रूम की हालत है एनीवेज. उसके बाद अब हम यहाँ पर, ये मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ क्योंकि जैसा मैं चाह रही थी थोड़ा थोड़ा वैसा टर्न आउट हो रहा है. मुझे पहले टेंशन हो रहा था कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा. नाउ यहाँ पर मैं एलईडी स्ट्रिप लाइट यूज़ कर रही हूँ, स्टिक जो होती है, सेल्फ अडेसिव होता है, इसके अंदर ग्लू होता है, तो वही मैं इसको स्टिक कर रही हूँ वॉल पे, कॉर्नर्स पे, ताकि वो जो भगवान वाला मंदिर है वो थोड़ा लिट अप लगे एंड अच्छा लगे. मैं ये 2018 में एक और वॉल आर्ट लेकर के आई थी, उसमें मैंने पेंट कर दिया है और मैं इस तरह से कुंदन लगा रही हूँ, और ये मैंने पेंट से ही, वाइट कलर के पेंट में कुछ बॉर्डर्स वॉर्डर्स थोड़ी सी बना दी है, थोड़ा उसको राजस्थानी लुक देने के लिए, और एक एक कुंदन मैं इसमें स्टिक कर रही हूँ. अब आते हैं इस वॉल पर. तो ये वॉल बहुत खाली लग रही थी और मेरे पास ज़्यादा सामान भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाती हूँ किसी कलर में और उसके ऊपर वो जो फ्रेम्स हैं वो लगाऊंगी. तो अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ एग्जैक्टली. तो यहाँ पर मैंने थोड़ा मेजरमेंट लिया और इस वॉल का सेंटर निकाला. उस सेंटर में मैंने एक छोटी सी ब्लैक कलर की जो नेल है वो उसमें ड्रिल करी, ड्रिल क्या, हथौड़ी से मैंने मार के उसमें लगा दी बस. और एक मैंने जो ऊन होता है ना वो लिया, उसको वहाँ पर बांधा और पेंसिल के एक कॉर्नर पर बांध करके ये पूरा सर्कल बना दिया. वो एग्जैक्ट सर्कल बना था जैसा मुझे चाहिए था. इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, आप ट्राई जरूर करिएगा अगर आपको प्रॉपर सर्कल चाहिए तो. और थोड़ा सा मस्टर्ड शेड मैंने ये बनाया है. मैं जो येलो कलर लेके आई थी वो कुछ अजीब सा सनशाइन येलो लेके आ गई थी मैं, जो अच्छा नहीं लग रहा था. और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करके इस तरह का मस्टर्ड कलर बनाया है. एंड ये हमारा जो सर्कल है बिल्कुल रेडी हो गया है एंड जैसा मुझे चाहिए था एकदम प्रॉपर आया है. कॉर्नर्स में मैंने एकदम जो बारीक वाला ब्रश होता है नंबर वन वाला, वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और ये हमारा सर्कल रेडी है. उसके बाद ये जो क्रेट्स हैं जो हमने DIY करे थे, आपको मेरे प्रीवियस मेकओवर्स में दिख जाएगा इसका भी DIY. तो ये जो मैंने क्रेट्स DIY करे थे इसके अंदर भी मैं पेंट कर रही हूँ, बिकॉज ये वुडन कलर जम नहीं रहा था, तो थोड़े ब्राइट कलर्स में पेंट करने वाली हूँ इनको.
तो अभी हम एंटर करने वाले हैं अपने इस रूम में. दिस इज द डोर. तो एक है मेरा राइट हैंड साइड जहाँ पर विक्की का वर्क स्पेस है जिसमें बहुत कुछ दिखाने के लिए नहीं है, और एक है मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो काफ़ी कलरफुल आपको दिख रहा होगा. तो मैंने जो राजस्थानी थीम करी है, आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा रूम राजस्थानी है, बिकॉज विक्की का एरिया आई कैन नॉट टच दैट मच. उसको सिंपल सॉर्टेड ही चाहिए रहता है. तो मैंने सिर्फ ये जो वॉल दिख रही है आपको, ये वॉल भगवान का जो मंदिर है वो, एंड दिस वॉल, मतलब ये तीन वॉल पे थोड़ा कोशिश किया है वो टच लाने के लिए. तो इस वॉल पर मैंने ये बड़ा सा एक सर्कल बनाया है. अगेन दिस इज अ पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड, बस इसको मैंने थोड़ा सा इंडियन टच देने के लिए यहाँ पर ये ब्यूटिफुल से जो रेड कलर के आपको ये आर्ट दिख रहे हैं ना, एक्चुअली अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे मेरे व्लॉग्स को, तो 2018 में मैं मुंबई के अंधेरी और ओशिवारा में एक मार्केट गई थी जो ओल्ड फर्नीचर है मार्केट. वो मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच करके इन दो को, इन ये जो दो वॉल आर्ट्स और भगवान जाने क्या है ये, इनको उठा करके लेके आ गई थी. एंड ये पड़े ही हुए थे तब से, मतलब दो हर मेकओवर में मैं इनको निकाल के देखती थी कि मैं इसका क्या कर सकती हूँ, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता था तो मैं रख देती थी हर मेकओवर में. लेकिन इस टाइम पे मतलब मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ कि ओ माय गॉड, इसमें कलर कर देती हूँ. इस वाली वॉल पे एकदम से चार चांद और कुछ वाइब्रेंट सा लगा दिया है, बिकॉज मेरे पास कुछ इतना फर्नीचर और पीसेस नहीं थे यहाँ पे रखने के लिए, और ये बहुत खाली लग रही थी, तो आई जस्ट डिड दिस. तो ये थोड़ा एक यू नो एक लुक क्रिएट कर दिया इसने. नाउ कमिंग टू दिस नीचे वाला सेक्शन, ये टेबल आई थिंक अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी असलियत क्या है. ये 25 ईयर्स पुराना टेबल है, एंड कोई यूज का नहीं था ये टेबल. ये जो वुडन क्रेट है ये हम ही लोगों ने बनाई थी, इसके ऊपर मैंने सिर्फ एक डार्क ब्लू कलर का पेंट कर दिया है. एंड दिस इज फ्रॉम होम सेंटर, जो कि अगेन मैं 2-3 साल पहले लेकर के आई थी. और यहाँ पर हमने हमारे जो बाबूजी एंड बाईसा हैं जिनको मैंने मंगवाया था मीशो से, उनको बिठा दिया है. हाउ क्यूट दे आर, लुक एट देम. नाउ कमिंग टू दिस वॉल, आपने देखा होगा बेडरूम में भी एक इस तरह की विंडो है, ये वो विंडो. तो अगेन मैंने बताया था ना कि यहाँ पर डक्ट एरिया है, तो पीछे काफ़ी सारी स्पेस है, और उसके बाद फिर वो वाले बेडरूम की विंडो आती है, मतलब दोनों पास पास नहीं है, एक अच्छा खासा स्पेस है. तो उस डक्ट एरिया को इस बार मैंने कवर कर दिया है, क्योंकि जब तक मैंने इसको कवर नहीं किया था ना, ये बहुत अजीब लग रहा था. एंड जैसे ही मैंने ये कर्टन इसके ऊपर डाला, बहुत अच्छा सा एक लुक आया इसकी वजह से, क्योंकि ये कर्टन भी ना ऐसे रेड एंड येलो थीम का है, तो बहुत अच्छा उठ करके ये पूरा एरिया आ गया था जैसे ये कर्टन डाला. नाउ उसके बाद आते हैं हम हमारे ये कॉर्नर वाले टेबल पे. तो ये मैंने मीशो से मंगवाया था, और इसका आई थिंक मैंने वीडियो में भी बताया था कि कितना मुझे पसंद आया है. उसके बाद आते हैं ये जो आप बेड देख रहे हैं, जो बैठक मैंने बनाई है, ये बिल्कुल जुगाड़ू, एकदम जुगाड़ू बैठक है. जो मेरे घर पे मैट्रेस थी मैंने उसको कटवा दिया बीच में से, और इस तरीके से ये हमारा अब यू नो एज अ सिंगल बेड यूज होता है. और अगर इनकेस हमको हमारे यहाँ कोई फ्रेंड्स आ गए या हमको थोड़ी सी स्लीपिंग एरिया बढ़ाना है, तो ये जो ऊपर वाला इसके ऊपर गद्दा है वो हम नीचे बिछा सकते हैं, आराम से इसमें लोग सो सकते हैं, बिकॉज ये डबल बेड बन जाएगा. पहले मैंने सोचा था मैट्रेस, अगर मेरे पास मैट्रेस था, तो बहुत बाद में हमको पता चला कि हमारे पास एक मैट्रेस स्पेयर होने वाली है. उससे पहले मैंने ये सोचा था कि हमारे घरों में बहुत सारे रुई के गद्दे हैं, मेरी मदर इन लॉ के पास लिटरली बहुत सारे रुई के गद्दे हैं, तो मैं वो गद्दे 3-4 बिछा करके बैठक बनाती. बट फिर ये मिल गया तो ये और ज़्यादा, मतलब ये भी एकदम परफेक्ट हो गया फिर यहाँ के लिए. इसके ऊपर मैंने ये वाइट कलर का एक थ्रो बिछा दिया है. पहले मैंने सोचा था जो राजस्थानी बेडशीट है वो मैं लगाती, बट उससे बहुत ज़्यादा खिचड़ी लग रहा था, मतलब बहुत लाउड हो गया था, बिकॉज ऊपर भी मैं सब लाउड लगा रही थी. फिर मैंने ये वाइट बिछा करके ये थ्रो लगा लिया है. ये मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजा था, उनकी वेबसाइट भी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. बहुत ही कंफर्टेबल थ्रो है ये, अमेजिंग है एकदम. और उसके ऊपर जो ऊपर के जो कुशन कवर्स हैं ये तो आपने देखे ही होंगे आई गेस, ये मैंने मीशो से मंगवाए थे, और वो पांचों बहुत प्यारे लग रहे हैं, एकदम प्रॉपर राजस्थानी प्रिंट के लग रहे हैं. मैंने यहाँ पर बन्ना जी और बीनरी जी को बिठा दिया है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं वो दोनों, एकदम परफेक्ट लुक आ रहा है उनकी वजह से. तो यहाँ पर भी मैंने एक और बन्ना जी को बिठा दिया है, सो दैट ताकि थोड़ा ही ना एकदम प्रॉपर राजस्थानी लुक आए, एकदम भी लोग 2 मिनट के लिए भी चूके ना सोचने के लिए कि मैंने राजस्थानी किया है कि नहीं किया है. तो इसलिए मैंने उनको यहाँ पर बैठा दिया है. ये सारी चीज़ें वैसे एकदम थीम से जा रही है, ज़रूर बताइएगा हाँ या ना. तो ये लैम्प मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो ये है. अब हम ऊपर देखते हैं. ये जो तीन आपको मेटल आर्ट दिख रहे हैं, अगेन मैंने मीशो से मंगवाया था, वेट करें. और ऊपर जो वॉल लैम्प है, अगेन वो भी मैंने मीशो से मंगवाया है. वैसे रूम का सेंटर वो आता है, क्योंकि हमने ये थोड़ा कॉर्नर क्रिएट किया है, तो इसलिए मैंने ये जो बल्ब है ये इधर लगा दिया है, ये विक्की ने लगाया था. और ये जो वुडवर्क है इसके सनमाइका का कलर हम लोगों ने थोड़ा अलग चूज किया है. इसमें हमने जो बॉर्डर्स है वो ब्राउन कलर का करवाया है, बिकॉज मुझे पता था कि ये इंडियन डेकोर थीम ही होना है. ये हम लोगों का मंदिर एरिया. ये जो यूनिट है ये अमेजन से मंगवाई थी नई, वैसे तो ये शू रैक के लिए यूज की जाती है, एक्चुअल में इसका नाम ही शू रैक था, बट हमारे शू रैक के लिए नहीं है. इसमें ऊपर के जो दो सेक्शन है उसमें भगवान का ही सामान रखा हुआ है,
पूजा वगैरह का, और जो नीचे वाली शेल्स हैं उसमें जो हार्डवेयर का सामान होता है थोड़ा बहुत, जो ड्रिल मशीन वगैरह है, वो सारी चीजें हमने इसमें रख दी है। तो आई एम श्योर काफी सारे लोग अगेन इस विंडो को पॉइंट आउट करने वाले हैं कि आपको यहाँ पर कुछ कर्टन वगैरह लगा लेना चाहिए था। हमारे पास ये जो रेड वाला कर्टन है इसके दो के सेट थे, उसने कर्टन नहीं लगाया, मतलब मेरे एरिया को कुछ नहीं करना है, मेरे एरिया को कुछ नहीं करना है। तो जिस दिन वो, अब वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, इधर उधर वो रहता भी नहीं है, अब जिस दिन वो इधर उधर होगा तब मैं सूमड़ी में यहाँ पर लगा दूंगी। नाउ दिस इज द वॉल, यहाँ पर एक वॉल शेल्फ मैंने लगा दिया है ताकि यू नो ये वॉल बहुत ज्यादा खाली लग रही थी, और क्योंकि इतनी खाली लग रही थी पूरे रूम का लुक खराब कर रहा था ये, तो मैंने लिटरली एक शेल्फ लगाया। मैंने कहा यार एक शेल्फ तो लगा दो, थोड़ा ऊपर लगा दो, भले ही उसमें डेकोरेशन के लिए कुछ मत नहीं करेंगे अपन, बट लगा लो। तो जैसे तैसे उसने लगा लिया है, और यहाँ पर मैंने क्रेट रख दिया है और अपनी एक वॉल पेंटिंग, 3D वॉल पेंटिंग, पता नहीं मैंने कौन से कितने जन्मों पहले बनाई थी, वो मैंने यहाँ पर रख दी है। दैट्स इट, ही डोंट लाइक टू डेकोरेट हिज वर्क एरिया, ही इज अ मिनिमलिस्टिक पर्सन, तो उसी हिसाब से उसका वर्क स्पेस है। उसके बाद आते हैं तो ये उसकी चेयर है, जिस तरह का कवर चेयर मैंने लगाया था वैसी कवर चेयर एक विक्की को भी लगा दिया है। उसके बाद आते हैं तो साइड में एकदम बेसिक सी चीजें, सीजर, नेल कटर एंड मास्क रखा हुआ है। उसके बाद आते हैं यहाँ ऊपर, तो यहाँ पर मैंने ये जो व्हाइट वाला बॉक्स है अपने बेडरूम में भी देखा होगा, तो मैंने बताया था ना ऐसे दो हैं, पर ये जो है ये एक्चुअली मेरे को राजस्थानी लुक में चाहिए था, बट ये आ गए पंजाबी लुक में, तो वो उस थीम में तो नहीं जाते, तो मैंने इनको अपने जो पाजी पीजी हैं उनको मैंने यहाँ पर बैठा दिया है आराम से चिल मारने के लिए। उसके बाद ये वाली जो हमारी यूनिट है, ये पूरी यूनिट विक्की को दे दी है, उसके सारा काम का सामान रखा हुआ है इसके अंदर, तो ये है। और उसके साइड में आता है हमारा प्यारा सा टाइसन, घूम फिर करके 360 डिग्री वहीं पर आ। So that's it for my video. I hope आपको मेरा video पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below, and comment करके जरूर बताइएगा इसमें से कौन सा part आपको अच्छा लगा है, और अगर आप इसको recreate करते हैं तो मेरे साथ Instagram पे share जरूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो चीज़ देखना। मैं मिलती हूँ आपको मेरे next video में, till then bye.